लेकिन यहां जो है मामला सौम, इससे पहले मक्की दौर में सौम का कहीं कोई तस्करा ही नहीं, न अरबों में इसका रिवाज था। यह लफ्ज़ भी अरबी जबान में था घोड़ों के लिए, घोड़े रोजा रखते थे, रखते क्या थे बेचारे, उन्हें रखवाया जाता था। क्योंकि अरबों का जो मामला था वो लूट मार भारत गई, और उसके लिए उन्हें चाहिए तेज रफ्तार सवारी, जाओ हमला करो लूटो मारो और भागो। ऊंट जो उनकी फिजा और उनके माहौल के लिए मुनासिब था, वो ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता, अपनी जरूरत के लिए घोड़ा चाहिए था। घोड़े में अरब का सख्त मौसम बर्दाश्त करने की आदत नहीं, नाजुक जानवर है, वो प्यासा तो नहीं रह सकता 7 दिन तक जैसे कि ऊंट रह सकता है, भूखा नहीं रह सकता, वो लू के थपेरे नहीं बर्दाश्त कर सकता। लिहाजा अरब उसको रखवाते थे रोजा, खाना पीना बंद किया और उसके जो है मुंह करके खड़े हो गए जब गर्म तेज हवा चल रही है, खुद तो अपने आप को लपेट लिया अपने गुदरे में, उतरा के लाता है वो जो भी कपड़ा ऊपर होता है, और वो उस घोड़े को जो है वो सारी आग उस पर बरस रही है ताकि इसमें आदत पैदा हो जाए झेलने की, बर्दाश्त करने की। तो जंग के मौके पर कहीं ये दगा ना दे जाए, अगर ये हिम्मत हार गया तो उसका तो क्या किया जाएगा, तो असल में सवार है जो मारा गया। ये रोजा उनके हाथ था, लेकिन जब हुजूर आए मदीने में तो यहां यहूद में रोजे का रिवाज था। वो एक तो आशूरा का रोजा रखते थे, इसलिए कि वो तारीख थी जिसमें कि निजात मिली थी बनी इसराइल को फिरौनियों से। पहले यह कि हर महीने में 3 रोजे, अब अगर 30 के 30 रोजे एक ही महीने में फर्ज कर दिए गए होते और वो होते जून जुलाई के, तो जान निकल जाती। बेहतरीन तदबीर यह की गई हर महीने में, और ये मौसम सारे आ रहे हैं इसमें। फिर कुछ अरसे के बाद ये रमजान का रोजा फर्ज किया गया। पहला जो रोजा था 3 दिन का, उसमें यह भी थी इजाजत कि जो अगर चाहे मुसाफिर नहीं है, बीमार भी नहीं है, ताकत रखता है रोजा रखने की, फिर भी रोजा न रखे तो उसका फिदिया यह है कि एक मिस्कीन को खाना खिलाए, अगर इतलाक था यह। जब रमजान के रोजे की फर्जियत हो गई तो अब यह फिदिया नहीं है, अलबत्ता हुजूर ने इसको बाकी रखा ऐसे शख्स के लिए जो बहुत बूढ़ा है, या कोई खातून बहुत बूढ़ी है बर्दाश्त नहीं कर सकती, या कोई बीमार है किसी सख्त ऐसी बीमारी में है कि रोजा उसके लिए जान के लिए हलाकत का अंदेशा हो सकता है, उसके लिए फिदिया बरकरार रखा। आम तौर पर सेहतमंद शख्स भी मुसाफिर भी ना हो उसके लिए यह रियायत खत्म हो गई। यह है इन आयात की ताबीर जिस पर मैं पहुंचा हूं, बहुत अरसे बहुत पहले पहुंच गया था, लेकिन जो अक्सर मुफस्सरीन ने यह बात नहीं लिखी है तो मैं झिझकता रहा, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि मौलाना अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की राय यही है, तो मुझे एतमाद हो गया। और फिर मुझे इसका जिक्र जो है ये तफसीर कबीर में इमाम राजी के यहाँ भी मिल गया कि मुतकद्दमीन के यहाँ ये राय मौजूद थी कि पहली 2 आयतें जो है इस रोजे से मुतालिक, ये रमजान के रोजे से मुतालिक नहीं है, बल्कि वो 3 हर महीने की 13, 14, 15 अयाम 20 के रोजे हुजूर ने बाद भी रखे हैं नफलन, लेकिन शुरू में ये 3 रोजे रखने का हुक्म दिया गया था। पहली 2 आयतें इस 6 आयतों पर मुश्तमिल है रुकू, और ये एक अजीब मकाम है। कुरान मजीद के अहकाम बहुत दफा है, नमाज के अहकाम कुरान में बहुत दफा है, कहीं वजू का है, कहीं तयम्मुम का है, कहीं और नमाज खौफ का है, मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन सौम की इबादत पर ये 6 आयात काबिल है, मुकम्मल है, उसकी हिकमत, उसकी गर्ज व गायत, उसके अहकाम सब के सब इसमें आ गए। पहली 2 आयतें कौन सी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, या ईमान वालों तुम पर भी फर्ज किया गया रोजा, रोजा रखना जैसे कि फर्ज किया गया था तुमसे पहलों पर, ताकि तुम्हारे अंदर तक्वा पैदा हो जाए। वो जंग के लिए करवाते थे घोड़ों को तैयार, तुम्हें तक्वा के लिए अपने आप को तैयार करना है, भूख को काबू में रख सको, शहवत को काबू में रख सको, प्यास को बर्दाश्त कर सको। अल्लाह की राह में जंग के लिए तुम्हें निकलना होगा, उसमें भूख भी आएगी प्यास भी आएगी, अपने आप को तैयार करो जिहाद के लिए। और यह बात वाजे हो जाएगी अगले रुकू से किताल की बहस शुरू हो जाएगी। रोजे की यह गुफ्तगू हो रही है तमहीदन किताल के लिए, जैसे घोड़ों को तैयार किया जाता था, सौंप रखवाया जाता था किताल के लिए। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन है, यह गोया के सबूत है इसका कि ये 2-3 दिन से ज्यादा महदूद जो है वो अरबी जबान में 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। महदूदा जब आएगा, अय्याम महदूदात, ये जमा जो है जमा किल्लत कहलाती है, महदूदात महदूदा बड़ी से बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन महदूदात जमा किल्लत है।
गिनती के चंद रोज है, फमन कान अमिनकुम मरीदन, इनमें भी ये रियायत है कि जो तुम में से बीमार हो अव अला सफरिन या सफर पर हो, फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, तो वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिनों में। वाले लजीना युतीकूनहु, और जो इसकी ताकत रखते हो, फिदयतुन तआमु मिस्कीन, वो फिदिया दे एक मिस्कीन का खाना खिलाना। इन आयात की तफसीर में जैसा कि मैंने अर्ज किया मुफस्सिरीन के बहुत से अकवाल हैं, मैं उनकी बहस में नहीं जा सकता, जो मैंने अपने मुताले के बाद राय कायम की है मैं सिर्फ वही बयान कर रहा हूं कि उस वक्त ये इमाम राजी के अल्फाज हैं कि यह फर्जियत अलग तयीन नहीं थी बल्कि अलग तखीर थी। फर्ज तो है रोजा, लेकिन इसका बदल भी दिया जा रहा है, अगर तुम नहीं रखना चाहते तो तुम एक मिस्कीन को खाना खिला दो। तो गोया के तदरीजन उन्हें लाना था क्योंकि इस खात के वो पहले से आदि नहीं थे। फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल्लाह, और जो अपनी जी से अपनी मर्जी से खैर करना चाहे तो उसके लिए खैर है, रोजा भी रखे और मिस्कीन को खाना भी खिलाए, दोनों काम करे, तो इसमें कोई रुकावट तो नहीं, उसके लिए बेहतर होगा। वान तसूमु, और देखो अगर रोजा रखो, खैरुल्लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अब यहां भी एक तरह की रियायत का अंदाज है। अब आ रही है दो आयतें जो खास रमजान के रोजे से मुताल्लिक है, हिकमत और गर्ज़ो गायत। फिर एक आयत तवील आएगी अहकाम, और फिर एक आयत आएगी लिटमस टेस्ट। ये छह आयतें। शाह रमदान लगी उन फील कुरान, रमदान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। लोगों के लिए हिदायत और हिदायत के भी रोशन बय्यनात बातें, वल फुरकान और हक व बातिल में फर्क कर देने वाली चीज। फमन शहीद मिनकुम अश्शहरा, तो जो कोई भी पाए इस महीने को, या जो शख्स भी मुकीम हो इस महीने में, मुसाफिर ना हो, फल यसुम, उस पर लाजिम है कि रोजा रखे। अब वो वजूब अल तखीर खत्म हो गया, अब वजूब अल तायीन, अब ये लाजिम है, ये रखना है। एक रियायत बाकी रखी, वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर, जो बीमार है या ये के सफर पर है वो तादाद पूरी कर ले दूसरे दिन। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता। ये लोग अपने ऊपर सख्तियां झेलते हैं, शरीर जो है सफर के अंदर भी रोजा रखे हुए, हालांकि यह इजाजत दी हुई। ये बल्कि हुजूर ने एक मरतबा एक सफर में काफी सरजनिश की, कुछ लोग जिहाद और कताल पे निकले थे, कुछ लोगों ने उस सफर में भी रोजा रख लिया। नतीजा ये हुआ कि सफर के बाद जहां मंजिल में अब जाकर खेमे लगाने थे वो निढाल होकर गिर गए, जिन लोगों का रोजा नहीं था उन्होंने फिर वो खेमे लगाए, मंजिल का काम किया। तो हुजूर ने फरमाया कि लैसा मिनल बिर्रे अस्सियामु फिल सफर, रोजे रमजान इसमें सफर में रोजा रखना कोई नेकी का काम नहीं है। लेकिन हमारा तसव्वुर और है, 105 बुखार चढ़ा हुआ, रोजा नहीं छोड़ूंगा मैं, रोजा तो मैंने रखा हुआ या रोजा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हालांकि जहां रियायत अल्लाह की है उस रियायत से फायदा ना उठाना एक तरह का कुफरान नियमत है। वह तुक मेरू इद्दा, लेकिन तुम्हें इद्दत और तादाद अब पूरी करनी होगी। वो जो थी एक रियायत कि फिदिया देकर फारिग हो जाओ, वो नहीं है। वह तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम तकबीर करो अल्लाह की उस पर कि जो उसने हिदायत तुम्हें अता फरमाई। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र कर सको उस नेमत उज़्मा का जो कुरान हकीम की शक्ल में तुम्हें दी गई है। इस मौजू पर मेरा किताब चा अजमत सौम और अजमत सयाम और क़याम कुरान, उसमें सारे मज़ामीन तफ़सील से आए हैं, क्या हिकमत है, क्या गर्ज़ो ग़ायत है, क्या मकसद है, और आखिरी मंजिल क्या है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, मतलूब तो ये है कि तुम्हारा जो ये जिसमें हैवानी है ये कुछ कमजोर पड़े, रूह रब्बानी जो तुम में फूकी गई है उसे तकवीयत हासिल हो, दिन में रोजा रखो, इस हैवानी वजूद को जरा कमजोर करो, दबाओ उसके तकाजों को, रात को खड़े हो जाओ, अल्लाह का कलाम सुनो और पढ़ो ताकि तुम्हारी रूह की आबियारी हो, उस पर हयात आबे हयात का तरशो हो। नतीजा क्या निकलेगा, तुम्हारे अपने अंदर से एक प्यास उभरेगी। वैसा सा न का इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, तक़र्रुब इलल्लाह का जज्बा पैदा होगा। तो ऐ नबी, जब मेरे बंदे ऐसे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें उनको बता दीजिए मैं करीब हूं, दूर नहीं।
یہ حقوق انسانی کا میرے نزدیک دنیا میں سب سے بڑا میگنا کارٹا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے. فصل اگر ہے تو تمہاری اپنی خباثت ہے. اگر تمہاری نیت میں فساد ہے, حرام خوری تو کرنی کرنی ہے, تو اب کس منہ سے اللہ سے دعا کرو گے؟ پھر جاؤ گے کسی پیر کے پاس, آپ دعا کر لیجیے. یہ نذرانہ حاضر ہے, یہ طریقہ کیا ہے؟ انسان کا نفس حائل ہے اور کوئی نہیں, ورنہ ہم تو مائل پہ کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھنا ہے کس سے, رہنا کی منزل ہی نہیں. کوئی پوپ نہیں, کوئی پنڈت نہیں, کوئی پادری نہیں, کوئی پیر نہیں, کوئی نہیں. جب چاہو اللہ سے ہم کلام ہو جاؤ, اس سے بڑا حق کیوں خالق و مخلوق میں ہاتھ